स्टीम से स्कॉर्पियो में आए थे, उसी समय फॉर्चुनर के द्वारा उसको हिट किया गया और यहाँ पर पहले इंसिडेंट हुआ। इसमें जो अभी तक की इंक्वायरी में आ रहा है कि फायरिंग इंसिडेंट के पीछे दो क्रिमिनल ग्रुप्स के बीच में पहले से राइवलरी चल रही है, वो इन्वॉल्व है। दोनों ग्रुप्स की तरफ से संभवतः एक एक व्यक्ति की डेथ हुई है और एक पासर बाई महिला की डेथ हुई है। टोटल पांच लोग भी इंजर्ड हैं, जिनमें से तीन लोग एक क्रिमिनल ग्रुप के। पब्लिक को पब्लिक की थी, पब्लिक को बोली, लेकिन दो व्यक्तियों को आप पासर बाई से पासर बाई थे, उनमें दो लोगों को और रेस्ट ऑफ द डिटेल्स विल शेयर। किस तरीके के सर ये थे हथियार, किस तरीके के यूज हुए? दीज डिटेल्स विल शेयर ओनली आफ्टर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। नाम क्या है मृतक व्यक्तियों में से? अभी तक एक व्यक्ति जिसको आइडेंटिफाई किया गया है उसका नाम है मुकुल एलियास सनी। किस गैंग के जरिए? टोटल तीन मरे हैं सर, टोटल तीन मरे हैं। नाम बताइए। मेरा नाम चेतन कौली। हाँ चेतन, क्या देखा आपने, क्या पता लगा, क्या हुआ यहाँ पर? कुछ नहीं, स्कॉर्पियो खड़ी थी, पीछे से फॉर्चुनर आई, उसने टक्कर मारी, आगे वाले भैया को इधर से टक्कर मारते, भैया नीचे गिरा, उतनी देर में फायरिंग शुरू हुई। हमें कुछ समझ ही नहीं आया। कितने राउंड गोली चली थी आपको सर? पहले एक राउंड, उसके बाद दो राउंड, तो कितने लोग घायल हुए, किसको गोली लगी? कुछ एक तो बेचारा बाइक पे जाना था, उसको भी लगी गोली, उसको इधर हॉस्पिटल में एडमिट कराया। एक लेडीज थी, उसको भी बेचारी को गोली लगी, उसको पता नहीं कहाँ ले गया, हमें नहीं पता। एक आपका भाई यहाँ आया, उसको मारे चार पांच गोलियां। अच्छा, वो तो लगता है शायद बच्चे। कौन था वो जिसको गोलियां मारी है जिसकी? हम तो उनको कहते थे भैया नमस्ते। कहाँ से आते थे वो? हम तो यही मिलते थे रोज, हमें इतना पता था कि ये भैया बहुत अच्छा। अभी आप बताएं ताजपुर से आते थे? ताजपुर से बताते हैं, भी ताजपुर के रहने वाले हैं, लेकिन वो रोज यहाँ पे परचेस करने आते थे। कब से आ रहे थे, कब से आप देख रहे थे उनको? मेरे को तो कम से कम 7-8 साल हो गए उन्होंने यहाँ पर आते हुए देखते हुए। रोज एक्सरसाइज करने आते थे, उनका कोई ऐसी। तो उनकी मौत हो गई है क्या? जिनको ज्यादा गोलियां लगी हैं? कुछ कह नहीं सकते, अभी सारे हॉस्पिटल में हैं, तीन चार लड़के गए हैं यहाँ से जो जानकार थे, मदद के लिए भागते हुए। बता रहे हैं कोई महिला थी जिसको गोली दी, उसको भी गाड़ी में डाल के ले गए हैं। गाड़ी में डालने का हमें नहीं पता चला, लेकिन एक लेडीज को गोली लगी है, वो बेचारी तमाशा देख रही थी खड़े होकर उधर कोने पे कमरे के पास। गली के अंदर तो कैमरे लगे, वहां से सारी फुटेज निकल रही है। एक तिवारी स्कूटर वाले का, एक्शन स्कूटर वाले का, उसमें से निकालो, सारी फुटेज आपके पास आ रही है।